हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार कल थम जाएगा और उससे पहले तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भिवानी की तोसाम सीट की है जो कि अपने आप में बहुत खास और बहुत हॉट सीट बन चुकी है। और इस सीट पर प्रचार करने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार अनिरुद्ध चौधरी के पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं वीरेंद्र सहवाग। और इस वक्त मंच पर आप देख सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वीरेंद्र सहवाग और अनिरुद्ध चौधरी। और करीब 4 घंटे बाद इस सभा की शुरुआत हुई है, 4 घंटे तक ये सभा जो है वो ऐसी तस्वीर आप देखते हैं। वीरेंद्र सहवाग, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अनिरुद्ध चौधरी, वो सब एक माला में यहाँ पर हैं। और ये अपने आप में बहुत ही एक तरीके से कांग्रेस के लिए अलग लम्हा है कि वीरेंद्र सहवाग पहली बार किसी राजनीतिक मंच पर पहुँचे हैं और वीरेंद्र सहवाग यहाँ पर अनिरुद्ध चौधरी के लिए कांग्रेस के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं। और यहाँ पर अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का संबोधन शुरू होने जा रहा है, लेकिन जरा भीड़ आप देखिए, ये तोशाम की अनाज मंडी है और इस तोशाम की अनाज मंडी के अंदर भीड़ जो है वो आप देखिए किस तरीके से। और तोशाम पर ये रैली तोशाम में, तो तोशाम की तरफ से देवराज जी पूर्व सरपंच, और करीब 4 घंटे हो चुके हैं, 4 घंटे से ये रैली इस तरीके से पीले चल रही है। रैली का समय जो है वो 12 बजे रखा गया था। वीरेंद्र सहवाग ने इससे पहले एक वीडियो भी जारी किया था कि वो 12 बजे रैली के लिए पहुंच रहे हैं, आप लोग भी पहुंचिए, लेकिन उसके बाद में जो है वो लेट हो गए और अब करीब मेरा 6 बजने जा रहे हैं, बल्कि यहां पर लोगों ने मुझे बताया कि 6 बजने जा रहे हैं, तो 12 बजे से जो है वो रैली का समय दिया गया था और अब 6 बजने जा रहे हैं। और आप देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए टिकट वोट मांगने के लिए वीरेंद्र सहवाग यहाँ पर पहुंचे हैं, तो लोग सुनने के लिए यहाँ पर किस तरीके से नजर आ रहे हैं आपके सामने बहुत कुछ ये तस्वीरें बयां करती है। तो आप देखिए करीब 6 घंटे बाद में ये सभा यहाँ पर शुरू हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त मंच पर बोल रहे हैं और मैं जरा आपको तस्वीरें दिखाता हूँ पीछे तक जो है वो आप तस्वीरें यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग जो है वो दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा ऊपर चढ़ करके दिखाइए, तो भिवानी में वीरेंद्र सहवाग पहुंचे हैं, क्या माहौल लग रहा है? बढ़िया माहौल लग रहा है। सहवाग के आने से कुछ फर्क पड़ेगा? रात दिन का पड़ेगा जी। वीरेंद्र सहवाग आए, एक तरफा क्या, एक तरफा नीरू चौधरी का। वीरेंद्र सहवाग आए पहली बार किसी रैली में, गई भाई कांग्रेस एक तरफारी है, अनिरुद्ध के वोटर हैं और वीरेंद्र सहवाग से कोई वो नहीं, अनिरुद्ध के वोटर। यहाँ ये जो सीट है ये बहुत अपने आप में खास है। इस सीट पर श्रुति चौधरी, बंसीलाल की ही परिवार की एक सदस्य है, उनकी पोती के ही आप श्रुति चौधरी को, वो बीजेपी के अंदर चले गए। किरण चौधरी बीजेपी में, उनकी माता जी वो भी चली गई, किरण चौधरी को बीजेपी ने राज्यसभा में भेजा, लेकिन अनिरुद्ध चौधरी उसी परिवार के बंसीलाल के पोते वो सामने है। यानी एक तरीके से इस सीट पर भाई बहन उन दोनों के बीच में मुकाबला है। और क्या होगा ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है, ये सीट अपने आप में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इस सीट पर न केवल भाई वर्सेस बहन का मामला बन गया है, बल्कि इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिष्ठा भी दाव पर लगी हुई है। और किरण चौधरी जो कि कांग्रेस को छोड़कर के बीजेपी में गई थी, क्या वो अपनी बेटी को चुनाव
जितवा पाएंगे, क्या उनकी बेटी चुनाव जीत रही है या नहीं, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ पर मौजूद लोगों की जो तादाद है वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है, और जिस तरीके से लोग अभी भी खड़े होकर के सुन रहे हैं, हाँ थोड़ा सा इधर रोशनी की दिक्कत है, क्या माहौल है, ये रैली है, आपको कब से इंतजार कर रहे हैं? पाँच घंटे रैली तो यह तो चौथा सही भीड़ बची है, तीन सही भीड़ तो जाली। हाँ क्या कह रहे हैं, कब से इंतजार कर रहे हैं आप लोग, कब से हैं यहाँ पे? यहाँ 12 बजे पहुँच गए थे हम, 14 बजे लगातार थोड़ा जरा जी। हाँ तो 5-6 घंटे से है। हाँ 5-6 घंटे आज का क्या भाव था और तभी आज क्या भाव है? ये वीरेंद्र सहवाग को लेकर के मैं देख रहा हूँ कि सारे पोस्टर पर वीरेंद्र सहवाग, हुड्डा और अनिरुद्ध चौधरी, तीन लोगों के पोस्टर है, क्या असर पड़ेगा सहवाग के आने से? यहाँ के है ना युवाओं को एक तो जागरूकता मिलती है और खिलाड़ी है, खिलाड़ी के प्रति आकर्षित होता है, इससे बहुत ज्यादा वो ना प्रभाव पड़ेगा यहाँ वीरेंद्र सहवाग आने से। और साथ में ये ना ये अनिरुद्ध जी बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं, ये समझो कि सबसे बड़ी लीड तो शाम से ही होगी पूरे हरियाणा। लेकिन दूसरी तरफ भी कैंडिडेट कमजोर नहीं है? नहीं कमजोर नहीं है, परंतु उन ये उनसे भी मजबूत कैंडिडेट है, वो कमजोर नहीं है कैंडिडेट, परंतु ये उनसे भी ज्यादा मजबूत कैंडिडेट है। और ये पूरे हरियाणा में सबसे टॉप नंबर पे यही रहा। किसानों ने अपनी जान गंवाई, शहीदी दी, क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है, कांग्रेस का माहौल है। इधर आ जाओ, अब ये जो कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता थे वो श्रुति चौधरी की तरफ गए या अनुरोध की तरफ? अनुरोध की तरफ है, सब अनुरोध की तरफ, सब अनुरोध के पास है, बंसीलाल के साथ सब है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हो आप क्या? हाँ। ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो किस तरफ गए, बीजेपी की तरफ रहेंगे या? उनका तो एक स्टैंड है, वो तो कांग्रेस की तरफ ही है। लेकिन श्रुति चौधरी, किरण चौधरी उस तरफ चली गई, अकेली चली गई। एक मिनट एक और लोगों से बात, वो अकेली चली गई ना सर, उसके पीछे कौन जाएगा? पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। हाँ क्योंकि काम ऐसे करे, मोदी ने जो वादा किया एक भी पूरा नहीं किया। अरे लेकिन श्रुति चौधरी और किरण चौधरी बार बार एक बात कह रही है कि कांग्रेस पर तो बाबू बेटा यानी भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ने कब्जा कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है, हमें उन्हीं के वोट थे, लेकिन अब नहीं देंगे उनको। आज तक बंसीलाल परिवार से अलग वोट नहीं दिया हमने, यही बंसीलाल के पोत्र हैं, कौन सा अलग है, वो भी तो पोती हैं। अरे उसको 40 साल देख लिए, माँ बेटी को, उसके बाप को, सबको दिया हमने। आज तक मैं 50 साल से ऊपर हो गया, आज तक किसी अलग कैंडिडेट का वोट नहीं डाला हमने। आपकी बार इसका अनुरोध चौधरी का डालेंगे, इंतजार था इसका। हमारे पुराने कांग्रेसियों किस तरफ है? हमारे गांव से हरि सिंह सांगवान को हरा के डालेंगे, वो श्रुति चौधरी का जो खास है ना, उसको यहाँ से हरा के निकालेंगे हमारे गांव से। सहवाग के आने से क्या असर है? किसका सहवाग? बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। खिलाड़ियों खिलाड़ियों के लिए अच्छा मशीन जाएगा, खिलाड़ियों के लिए अच्छा मशीन जाएगा। बढ़िया माहौल है भाई साहब, क्या लग रहा है? है क्या लग रहा है? बढ़िया माहौल है, क्या लग रहा है? जीत के निकलेंगे भाई साहब। इंदिरा से नीचे सिमट जाएगी बीजेपी, बता रहे हम आपको, 15 से नीचे सिमट जाएगी बीजेपी। अरे तो कभी नहीं हुआ, और INLD के 3 आ सकती है, इससे ज्यादा नहीं आएंगी, इससे ज्यादा और किसी की नहीं आएंगी, बस और किसी की सीट नहीं आएगी। ये फैक्टर क्या काम कर रहा है? अरे हर इसको लठ मारे, खिलाड़ियों को मारे, किसानों को मारे, सरपंचों को मारे, आंगनबाड़ी को लठ मारे, कोई वर्ग छोटा तो नहीं, इसलिए कौन वोट देगा? भरी दोपहरी में जो रैली होनी थी वो रैली अब बिल्कुल जब वो धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, शाम को हो रही है। 6:02 होगी और 1 बजे से पहले आके बैठे थे हम, 1 बजे से पहले आके बैठे थे और 6:02 हो गए। चलिए थोड़ा सा मैं रैली में आए हुए लोगों से एक बार थोड़ा सा, ये क्या माहौल है, ये पोस्टर चिपका के बैठे आप भाई? बढ़िया, एक नंबर का माहौल आज। हाँ
बहुत बढ़िया टॉप है अनिरुद्ध चौधरी का। और श्रुति चौधरी? श्रुति चौधरी तो डाउन है। क्यों? काम तो किया कोने को, पार्टी बदल ली, बीजेपी में चली गई, पहले कांग्रेस में थी, हम क्या करें। तो आप किसके साथ जाओगे? अब कांग्रेस में अनिरुद्ध के साथ। ये अब कल तो प्रचार खत्म हो जाएगा। हाँ जी। और आज जो है वो वीरेंद्र सहवाग आ गए आपके इधर, क्या फर्क पड़ेगा? युवा जो उसके वो हैं तहते उसको वो थोड़ा सा मतलब उसके कहने से वोट दे देंगे, जो उसके फैन हैं उसको जैसे कुछ तो। ये आपको मतलब कैसा लग रहा है? टक्कर है, तगड़ी फाइट है, कैसा? टक्कर तो है, लेकिन अब माहौल ये बन गया इसकी तरफ, माहौल बन गया इसकी तरफ, लहर की माहौल बन गया। लोग ये चार पाँच घंटे से खड़े, ये चार पाँच घंटे से ऐसा मतलब कोई रैली को चार पाँच घंटा तक खड़ी रहे। इसमें मान ले रुके हैं, पहले एक पटौती मूवी थी उसमें भी नहीं, मान ले किसी कारण दीपेंद्र लेट हो गया था, उसमें भी ऐसे मतलब जनता हिली नहीं, और ऐसे ही यहाँ भी तो जनता में उत्साह है, थोड़ा सा माहौल है। हाँ माहौल है, चेंजिंग मतलब। तो देखिए अब जो है वो रैली खत्म हुई है और अब लोग जो है वो आपके सामने हैं, लोग यहाँ से निकल रहे, तो क्या माहौल है? रैली खत्म हो गई? एक नंबर, एक नंबर। वो सामने कार्यालय देखो, श्रुति चौधरी। कार्यालय तो देश से खोलना इसका है, कार्यालय खोलना सब का यार, सब का अधिकार है। तुम वोट नहीं है, वोट को नहीं, कांग्रेस से लाओ वोट को, वोट फॉर ओनली कांग्रेस। एक तरफ लहर है, कोई मुकाबला है कोई नहीं।